खा के इसने मरना ही है। तो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तकरीबन 1997 से, दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 2-3 सालों से मैंने इसके लिए गोली वाला इस्तेमाल किया। चूजे बच जाते थे लेकिन मुझे फायदा नहीं होता, फिर भी वो मर ही गए। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान, और अभी मैं इधर मौजूद हूँ लियाकतपुर रहीम यार खान के पास, जो है ना जफ़र साहब हमारी बड़ी चाहत वाले फार्मर हैं। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले आया था चूज़ा आपके पास, चार हफ्ते पहले हमारे एक हैच का मसला हुआ था जो कराची तक जा रहा था, तो वो इधर डिलीवर करके गए थे, उसमें हैचरी के प्रॉब्लम की वजह से कुछ चूज़ों की मोर्टेलिटी हुई थी। तो उस वक्त जफ़र साहब परेशान थे कि ये जो आते ही 300 जफर भी मर गया था, 300 मर गया था, ये कैसा चलेगा। तो मैंने कहा था आप परेशान ना हो, आप इसको चलाएं, और हमने इनको तसल्ली भी दी थी, और माशाल्लाह इन्होंने वो 4 हफ्ते का जो किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 6800 6700 चूज़ा जो है ना जफर भाई ने और मंगवाया, और जल्द आप देखेंगे माशाल्लाह। जफर भाई कह लें कि इन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की इधर लियाकतपुर में। कल हमारा एक सेशन भी था जिसमें मोर देन 32 फार्मर्स आए, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहा, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो अभी जफर साहब से हम जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि जफर भाई आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, कब से फार्मिंग कर रहे हैं और किस किस बर्ड की फार्मिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल, लियाकतपुर से सिटी से। तो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तकरीबन 1997 से। माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने ब्रायलर की फार्मिंग की, उसके बाद फिर कुछ देर वाइट लेयर की भी फार्मिंग की, उसके बाद फिर मैं उसमें जैसे जैसे उसमें पोटेंशियल कम होता गया फिर मैं गोल्डन मिस्टी पे कन्वर्ट हो गया। हाँ। और मैंने लेयर भी रखी थी अंडों के लिए, और चूज़ा पट्टी बना के भी सेल करते थे। हाँ। तो ये मुश्किल हम ये काम कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा काम ख़राब हो रहा था कि वो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से इसके अंदर आए रोज़ जो है ना इसकी प्रोग्रेस कम होती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी, और दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए फिर मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसी ब्रीड मिल जाए, कोई ऐसा तरीक़ेकार मिल जाए। मैं 2-3 दफ़ा हेचू में भी गया कि उनसे कहूँ कि आप छोटे साइज़ के चूज़े ना डालें, या हाँ। कि हमें इधर मर जाते हैं। पहले हाँ। तो हम छोटे चूज़ों को कहते हैं कि गोली है। तो काफ़ी देर गोली समझते कहते रहे, लेकिन हाँ। 2-3 सालों से मैंने इसके लिए गोली वाला इस्तेमाल किया। ये गोली है, ये बुलेट है। हाँ, बुलेट है ये खा के इसने मरना ही है। हाँ। इस इतना मैंने इसके ऊपर तजर्बा किया कि अगर एक बर्ड को मैंने 3-4 थे हमारे फ्लॉक में, मैंने कहा देखते हैं इसको क्या करते हैं। हाँ। उनको 14 महीने मैंने रखा। हाँ। फ्लॉक अंडे दे के फारग हो गया, उनमें से 1-2 ने अंडे दिया और फिर भी वो मर ही गए, गोली रही। और तकरीबन 750-750 ग्राम उसका वजन हुआ। हाँ। और बीमारी उनको कोई ना कोई लगी रहती। तो ये मैंने उनको कहा कि आप हमारे से पैसे चार्ज ज्यादा कर लें और ये गोलियां ना मारें। लेकिन वो उनके ये हमारे आपके लिए हम ये नहीं कर सकते, हमारा जो प्रोसेस है उसी तरीके से कर सकते हैं। तो रेट को कहें तो हम 1-2 रुपया कम कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो फिर मैं अपने तौर पर इधर आके ऐसा करता था कि 1 महीने के बाद मैं हर चूज़े को ना ऐसे पल्ली लगा के, तो एक अच्छे चूज़े को एक साइड पे कर लिया करता था, ग्रेडिंग करता था, और दूसरे को एक अलहदा करता था। तो प्री मिक्स देना और इसको खुश्क दूध देना भी किस तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाए। हाँ। लेकिन प्रोग्रेस नहीं मिलती थी। हाँ। चूज़े बच जाते थे लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं होता था। हाँ। तो जो मुझे फ़ायदा नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा बनती है स्ट्रगल करने का, जो उसको फ़ायदा होता ही नहीं है। तो मैं इस कोशिश में था कोई ऐसी ब्रीड मिल जाए, कोई ऐसा तरीक़ेकार मिल जाए जिससे मुझे अच्छी क्वालिटी का चूज़ा मिल जाए। हाँ। फिर मैंने ब्रायलर का चूज़ा भी डाला कि अच्छी क्वालिटी का इस्लामाबाद चूज़ा। हाँ। तो वो मेरे लिए ठीक रहा बहरहाल। हाँ। लेकिन गर्मियों में वो काम बहुत मुश्किल है, और हाई लेवल पे जो है ना वो बड़े फार्मर ही करते हैं ये काम। हाँ। कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होता है उसके लिए, तो पूरे सिस्टम चाहिए, वो नहीं कर सकते, वो इतना सख्त जान नहीं होता। लेकिन उसका प्रोसेस जो लंबा है, मतलब वो करोड़ों का बिजनेस है, छोटे फार्मर के लिए वो मुनासिब नहीं है। तो जफर भाई आपने माशाल्लाह 4 हफ्ते चलाए, वो भी चूजा देखा, इसको भी देखा, तो आपने गोल्डन मिश्री और इसमें क्या फ़र्क पाया, और दूसरा आपने वाइट लेयर भी चलाई हुई है, वाइट लेयर और इसमें क्या फ़र्क पाया। वाइट लेयर और इसमें चूज़े के हिसाब से तो तकरीबन इसकी एक तरह की आदत है, और एक तरह के ही मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, आदत में और चूज़े में और चूज़े की ग्रोथ में, सेहत में, उसी क्वालिटी का चूज़ा है। सही।
लेकिन गोल्डन मिर्ची से ये बहुत अच्छा है। अच्छा, गोल्डन मिर्ची से बहुत अच्छा है, उसका ऐसे कह रहे कि उसके साथ इसका कंपेयर बनता ही नहीं है। हाँ, ये और चीज़ है, और चीज़ है। तो ये इसमें काम करना आसान है, उसमें काम करना मुश्किल है। गोल्डन मिर्ची का बहुत मुश्किल काम है कि वो चूजे की साइज वेरिएशन होती है, तो मल्टी स्पीशी की वजह से हर वक्त जो है ना वो जानवर आपके तकरीबन 2-3% बीमार ही रहते हैं। तो पार्टीशन अलग अलग लगाई होती है, कोई इधर डाले हुए हैं, कोई उधर डाले हैं, कोई उधर डाले हैं, मतलब इंडिविजुअल केस जो है ना वो हमेशा चलता है। चलता है। तो जब से आपका चूजा डाला है, पहले दिन मैंने वो आपके कहने पे ना, आपका माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, चूजा जो हमारा ही है, तो ड्रिप मैंने लेके आया, टीके लगवाए, उनको सब कुछ किया, एक दिन किया बस। जिस तरह आपने कह दिया ना कि जी आप घबराया, जो मर गए वो हमारे, लेकिन आप फिक्र ना करें। तो मैंने कोशिश की, मैंने देखा कि इन्होंने नहीं बचना, ये जो गिर रहे हैं ना ये नहीं बचे, नहीं बचने। तो जो गिरने वाले थे वो गिर गए तीन दिन में, चार दिन में। मैं फार्मर्स क्लियर करता जाऊं, ये वो मसला जो हमारी हिचड़ी में हीट ज़्यादा देने की वजह से जानवर डिहाइड्रेट हो गया था, तो जफर भाई जो आते हुए या आके मरे उसके बाद कितना जानवर उसमें से मरा? उसके बाद तो फिर ऐसे समझें कि मैं ये पूछना छोड़ दिया कि चूजों की कोई फौत तो नहीं हुआ, मोर्टैलिटी जीरो। तीन हफ्ते में हमारा एक जानवर जाया हुआ, तीन हफ्तों में एक, माशाल्लाह। पहले हफ्ते में जो हुए हैं पांच, पहले पांच दिन में, उसके बाद में फिर जिस दिन वैक्सीन की थी ना उस दिन एक दो वो पांव के नीचे आ गए थे, एक्सीडेंटल थे वो तो कोई बात नहीं। बस वो भी मैं माजर चाहता हूँ, असल में वो हमारी हिचड़ी का मसला था, उन्होंने हैच क्लियर करने के लिए हीट ज़्यादा दी जिस वजह से प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी जफर भाई ये भी मेरा ख्याल 48 घंटे का हो गया जी। तो ये फार्मर जफर साहब उस्ताद हैं हमारे, जैसे बता रहे हैं 97 से काम कर रहे हैं, तो 97 में मैं 7th क्लास में था जी जी। तो वो ये है कि बहुत सी चीज़ें हमने इनसे सीखी, इन्होंने कल सेशन भी करवाया, तो कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑब्जर्व की। एक तो ये है कि असल में ना कोई बताने वाला नहीं होता। अभी हमने एक चीज़ आप देखें, ये जानवर सारा जो है ना इकट्ठा हुआ हुआ जो है ना पानी पे। एक तो ये है कि हमारा बहुत शुक्रिया इनका, जफर साहब का, कि हमारे कहने पे इन्होंने वो दूसरा सिस्टम छोड़ के ये वाटर ड्रॉपिंग पे आ गए। अब ये है कि एक वाटर ड्रॉप जो है ना, एक निपल जो है ना, वो 20 जानवरों के लिए या 15 जानवरों के लिए होनी चाहिए। ये कम होने की वजह से पानी थोड़ा सा जानवर पानी की कमी को फील कर रहा। अच्छा जफर भाई, इधर एक चीज़ मैं बताऊँ, असल में हमारे इधर पोल्ट्री में ना गाइड नहीं करते। ये जानवर आपके पास जब आया ना, तो एवरेज 35-36 ग्राम का, 35-36 ग्राम में से इसका 71% वेट जो है ना वो इसका पानी है। 71% की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है 25-26 ग्राम ये पानी है। अब होता यह है कि पोल्ट्री में अगर 10% आपका चूजा पानी लूज कर गया, मतलब अगर वो 60% पे आ गया, तो जानवर ने मर जाना। 10% का मतलब है कि सिर्फ 7 ग्राम या 6 ग्राम अगर ये 6 मिलीलीटर पानी कम कर जाता तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, और हमारा फार्मर ये कह रहा होता है कि यार कोई नहीं, पानी है ना, फीड तो खा रहा है, कर रहा है। एक तो ये है कि इसके लिए पानी के, जिस तरह रात को भी बात हुई थी, हाथ वाले बर्तन रखें और पानी की इसको कमी ना होने दें। दूसरा, फार्मर पानी कितना अहम है इसको जानने के लिए कि एक मुर्गी का 70% जो बॉडी होती है ना वो पानी होता है। तो अगर 10% कम हो जाए तो वो डिहाइड्रेशन से मर जाता है, और नॉट मोर देन 12-14 आवर्स पानी के बगैर जानवर जिंदा नहीं रह सकता। उस दिन जब हम उधर मौजूद थे वो परवेज साहब के पास, तो सर उनका 50 जानवरों को एक हाथ वाला बर्तन पानी का होना चाहिए, उन्होंने 367 जानवरों को, तकरीबन 450 जानवरों को एक बर्तन लगाया था, और जितने बर्तन लगाए थे वो भी खाली। तो कहते हैं शुरू पिला दिया था पानी। अच्छा फार्मर, मैं ये बता रहा था कि पानी कितना अहम है, कि 71% उसका बॉडी वेट पानी है, और अगर 10% कम हो जाता तो डिहाइड्रेशन से मर जाता 12-14 घंटे में। दूसरा जो सर अंडा होता है, अंडे का 83% वेट जो है, 83% जो ना वो वाटर होता, तो अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो अंडा कैसे देगी मुर्गी? अंडा देगी नहीं, अंडा बनने का अमल ही ख़त्म हो जाएगा उसका। तो पानी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जितनी फीड खाए, 1.8 से लेकर 2.2, मतलब अगर 100 ग्राम मुर्गी फीड खा रही है तो 180 ml से लेकर 220 ml तक उसको पानी पीना चाहिए। तो एक जो जफर भाई चीज़ मैं देख रहा था कि इसका पानी का इंतज़ाम ज़्यादा करें, और इसके नीचे अभी वो बेटा जिस तरह आपको बताया था वो इसकी ये भी बढ़े। अच्छा फार्मर, एक और चीज़ है, ये देखें इन्होंने मोर्टेलिटी जो है ना बिल्कुल साथ रखी हुई है। होता यह है कि जब एक चूज़ा मर जाता ना,
तो वो डीकम्पोजिशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, उसमें बैक्टीरियाज बनना शुरू हो जाता है, ताफन बनना शुरू हो जाता है। अब ये देखें, ये कल की मोर्टेलिटी है, वो परसों जब डिब्बों में से आए हैं, परसों को हो गए हैं तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं पहुँचे, 48 घंटे हो गए हैं ये चूजे इधर ही पड़े हुए हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज बनेंगे, जो ताफन बनेगा, वो अंदर का अंदर ही रहेगा। तो मोर्टेलिटी को एज सून एज पॉसिबल जब आप पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उसको फ़ौरन जो है ना दूर छोड़ के आएँ। बेटा हकनवाज इधर आओ, ये बेटा जो जितने चूजे मरे हैं ना, इनको किसी डब्बे में डाल के बाहर फेंक के आओ। दूसरा एक चीज़ हमने ये देखी कि अभी हमने मोर्टेलिटीज बाहर उठवाई, मुजफ्फर साहब कह रहे थे कि उनको चेक करना था। तो फार्मर्स होता ये है कि जो मोर्टेलिटीज़ है ना, जो मर जाता है ना, अल्लाह ताला ने देखे कि हमें इस्लाम में भी जफर भाई कहा हुआ है कि अगर कोई फौत हो जाए तो तदफीन में जल्दी करें, क्योंकि उसके डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता जो इंतहाई ख़तरनाक और पूरा एक रिवर्स प्रोसेस होता है। जब मोर्टेलिटी जफर भाई हमारे पास इधर पड़ी रहती है ना, तो उसकी डीकम्पोजिशन में बहुत से बैक्टीरियाज ऐसे पैदा होते हैं जो जानवर के लिए नुकसानदेह है। अगर आपने मोर्टेलिटी रखनी है पोस्टमार्टम के लिए, तो उसको फ्रीज कर दे, बर्फ़ में लगाएं या डीप फ्रीजर में रखें अगर आपने रिटेन करनी। अदरवाइज अगर आपने कोई उसको पोस्टमार्टम नहीं करना, तो बेटा उसको फौरन जो है ना बाहर फेंक दे। तीसरा जफर भाई एक चीज़ थी कि जो इसकी आपने ज़मीन पे फीड डाली वो ख़त्म करें। जानवर को हमेशा प्लेट में फीड देनी चाहिए और ये ज़मीन पे नहीं डालनी चाहिए। उसकी फिर आदत बन जाती है कि वो बर्तन में से भी उठा के नीचे फेंकता, क्योंकि जो पहले दिन की आदतें होती हैं वही आगे चलती हैं। तो वो अक्सर कहते हैं ना कि जो बच्चा अंगूठा चूसता है वो माँ के पेट में भी अंगूठे चूस रहा होता। तो वो जो आदतें बन जाती हैं ना, वो फिर क्या करता है, चूजा स्क्रैचिंग करता और फीड बर्तन से बाहर फेंकता और वो ज़मीन पर खाता जो बैक्टीरियल होती है। चौथी चीज़ हमने जफर भाई से ये रिक्वेस्ट किया है कि जैसे इन्होंने हमारी बात मान के ये लाइंस लगवाई हैं, नेक्स्ट टाइम अखबार नीचे नहीं डालने। जफर भाई एक कलर का पेपर, या ब्राउन हो या वाइट हो, क्योंकि वो चूजे को कंफ्यूज नहीं करेगा। अखबार जो है इस पे केमिकल लगा होता है, केमिकल इसकी नाफ के नीचे लगता है और वो इसको प्रॉब्लम करता है। दूसरा, अखबार पे जो अल्फाज होते हैं उन अल्फाज से जानवर कंफ्यूज होता है और वो उसको चूंचे मार के फीड समझ के खाता है, जिससे उसका एनर्जी लॉस होता है, वो स्ट्रेस में आता है। आप ये देखें, जितनी इस वक्त गर्मी चल रही है 39 टेम्परेचर हुआ हुआ, तो 39 टेम्परेचर में बिला वजह अगर वो 4-5 चूचे भी मारेगा तो उसकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो पांचवी चीज़ हमने जफर भाई से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो कूलर ले आए। ये दिखाइएगा बेटा, ये कूलर चला के इन्वायरमेंट को 34-35 पे लेके आए और इसकी जगह खोलें। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतने ज़्यादा फार्मर्स भी इकट्ठे किए, इधर भी टाइम निकाला, और एक एट द एंड जो है ना, अभी हम दूसरे शेड में भी जाते हैं, उधर भी करते हैं। जफर भाई कल रात को सेशन में एक बात कह रहे थे कि मैं काम छोड़ दिया था या छोड़ने लगा था, तो ये मेरा आखिरी फ्लाग था। तो जफर भाई वो बताइएगा, आखिरी फ्लाग आपको पोल्ट्री में कैसे वापस लेके आया? इस फ्लाग की इस ये जब आपकी मैंने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद फिर मुझे दोबारा अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने काम करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अभी इसके और रास्ते हैं। तो आखिरी रास्ता जो बचा है वो यही रास्ता है, लॉन्ग ब्राउन वाला। तो मैंने उसको अडॉप्ट करके, तो फौरन ही मैं जब चूजा देखा कि चूजा ठीक है, तो मैंने बाकी सारा काम भी इसी पे ले आया। मैं काम कम कर दूंगा, जो करूंगा वो अच्छा अच्छा, ये मैंने अपना फिर। तो अभी जफर भाई जैसे आज खड़े हैं तो 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त का चूजा तो अंडे पे नहीं जाएगा, तो आप इसको क्या पट्टी बना के बेचेंगे? हाँ जी, आपको पट्टी बना के बेचेंगे। तो पट्टी में मतलब बच जाते हैं पैसे फार्मर्स को, अगर गाइड कर सकें? अगर तो आपके जो कंपनी का रेट है उसके हिसाब से तो बचते हैं, हमें तो ठीक ठाक पैसे बचेंगे, माशाल्लाह अच्छा मुनाफा रहेगा। हाँ। अगर इसको तोल के बेचना पड़ेगा तो मुनाफा तो फिर भी आएगा, फिर कम आएगा। हाँ। क्योंकि इसके आज के अखराजात बहुत ज्यादा है। आज माशाल्लाह जो रेट है अंडे का 8500 हो गया। हाँ। और मार्केट में मुर्गी शॉर्टेज है। आज अगर 750 ग्राम पट्टी अवेलेबल है तो 975 से 1010 रुपये मार्केट से पर केजी की आवाज़ आ रही है। मतलब मैं अगर उसको 975 भी कहूँ तो आपका बर्ड अगर 750 ग्राम का होता है तो 700 रुपये का बिक जाएगा, और 700 रुपये का होते 2 किलो फीड खाएगा। 2 किलो फीड का मतलब है 123 246 रुपये की फीड है, और 170 रुपये का चूज़ा हो गया, 246 प्लस 346 और 400 सवा 400, और बड़ा भी लगाएं तो 50 रुपये मेडिसिन के लगा लें। 50 रुपये में सारे अखराज में, 500 में सारे अखराज मेंटेन होते हैं, 500 रुपये में चूज़ा आपका रेडी होके, अगर आपको अगर यही रेट रहता है, मगर आप माशाल्लाह तजर्बा कर रहे हैं, आगे जाते हुए
ट्रेड और इंक्रीज होना। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 200 रुपए पर बर्ड दे जाता तो इट्स अबाउट बेहतरीन है, मतलब आपका 7,000 जानवर हो तो 14 लाख रुपए अल्लाह ताला रिज़्क दे देता। हाँ, बहुत अच्छा है। इतना मैं गोल्डन मिश्री आपको कभी नहीं दिया होना। नहीं, सोचा था पर आया कभी आया कभी नहीं। चलें जी फार्मर, अभी हम चलते हैं जो है ना जफर साहब के बड़े फ्लॉक की तरफ और फिर इनसे इजाज़त लेते हैं। आ जाए सर, आगे चलते हैं। जी फार्मर, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, एक तो जगह इसकी कम है और दूसरा वो देखिए टेम्परेचर 38/7 आ रहा है, और अगर मैं इधर चेक करूँ तो ये आ रहा है 36 और ये देखें कि ये एक तो वाटर लाइन काफ़ी कम है। असल में होता ये है फार्मर के जो चूज़ा होता है ना, इसका 70% बॉडी वेट जो लगता है पानी होता है, और पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये देखें कि चूज़ा पहले दिन आया, इनको जिस तरह हमने कहा कि बर्तन रखें, तो ये चेक करें, अभी ये मैं पानी को शुरू किया तो देखें चूज़ा कितना प्यासा कि वो फ़ौरन पानी की तरफ जो है ना वो आ गया। ये चेक करें, तो एक तो इनकी वाटर लाइन जो है ना 20 निप्पल्स होने चाहिए, 20 चूज़ों के लिए एक निप्पल होना चाहिए, और गर्मी में तो अगर आप 10-12 के लिए भी कर दें तो वो बेहतर है। तो अभी ये देखें कि जितना चूज़ा है, ये अगर आपको हिंदी खा सकें, ये वाटर लाइन के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ हुआ, उसकी वजह ये है कि इसकी पानी की जो है ना वो कमी पूरी नहीं हो रही। वो दिखाइएगा बेटा, ये देखें अभी वो भाई को हमने कहा जब उन्होंने पानी पूरा किया तो सारा चूज़ा पानी के इर्द गिर्द था। तो इस चीज़ का फार्मर ख़ास ध्यान रखा करें कि गर्मी में पानी की जो है ना चूज़े को कमी नहीं होनी चाहिए। जी जनाब, अभी हम ये बड़े फार्म पे आ गए हैं, ये जफर साहब का बर्ड है। जफर भाई, ये कितने वीक का हो गया? 4 हफ्ते का हो गया जी। 4 हफ्ते का, तो माशाल्लाह 4 हफ्ते की ग्रोथ से आप मुतमिन हैं? 3 हफ्ते की ग्रोथ से उसकी स्टैंडर्ड के मुताबिक आई है, और 4थे हफ्ते की ग्रोथ जो है ना वो उसके मुताबिक नहीं आई। लुमन के स्टैंडर्ड के मुताबिक आई है, उसके मुताबिक नहीं आई कि इसने फीड कम खाई है। हाँ। या तो गर्मी की वजह से खाई कम खाई है, या कोई और भी मसला हो सकता है, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर नहीं सका कि क्यों कम खाई है। ए जफर भाई, एक तो वो जो मैं आपको बता रहा था, इसकी जगह खोले, ठीक है, जगह खुलने से बेहतर होगा, बर्तन ज़्यादा फीड वाले होंगे बेहतर फीड खाएगा, और जगह खुलने से इसका टेम्परेचर भी बेहतर हो जाएगा ना, तो इसकी जगह खोल दें वो बेहतर हो जाएगा। बाकी माशाल्लाह जानवर बेहतरीन है। फहीमा, आप ज़रा बेटा कैमरा आगे कीजिएगा, जानवर की एक्टिवनेस देखनी हो तो ये है, ये देखें गर्दनें सारी खड़ी कर रहा, तो माशाल्लाह ये एक्टिव है, टेंटेटिव है। हाँ बिल्कुल, फुल एक्टिव है। तो जफर भाई, अगर इतना ही अरसा निकाला होता गोल्डन मिश्री ने तो उसका कितना वजन होना था? वज़न तो तकरीबन इससे 20-30 ग्राम कम होना था, लेकिन मोर्टेलिटी जो है ना वो इस वक्त तक तकरीबन ये समझे कि 5% से अबव हो जानी थी। हो जानी थी, हाँ, वो ज़्यादा जा चुकी होनी थी। हाँ, और ग्रेडिंग के भी मसाइल हो चुके होने थे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाना था। हाँ, इसकी ग्रेडिंग से मुतमिन है, सब बैलेंस ग्रो कर रहा है तकरीबन। मेरे ख्याल में तो इसकी ग्रेडिंग तकरीबन मिलती जुलती है। हाँ, वो एक जानवर है इसमें जो ज़्यादा छोटा है, छोटा, बाकी तकरीबन एक जैसे ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लें जी फार्मर्स, ये जफर साहब का फार्म था। जफर साहब प्रोफेशनल फार्मर हैं, जैसे बता रहे हैं कि माशाल्लाह 26 साल हो गए हैं फार्मिंग में, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके शुक्रगुजार हूँ जफर साहब का कि इन्होंने हम पे एतमाद किया, और माशाल्लाह इस वक्त इनके पास 9,000 हमारा जानवर चल रहा है। और सर, आप साल में कितना जानवर तकरीबन डालते हैं? गोल्डन मिश्री तो हम तकरीबन 1,00,000 से भी ऊपर डाल लेते हैं। 1,00,000 से ऊपर, तो ये माशाल्लाह 1,00,000 बर्ड के फार्मर जो है उनका अतमाद है हम पे, तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और के इज़्ज़त देने वाली ज़ात वो होती है। वैसे कभी गोल्डन मिश्री वाला भी चूज़ा दे के आया आपसे मिलने? नहीं, कभी नहीं आज तक नहीं आया। वो कहते हैं वो चूज़ा दे के वो मुकर जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा है ही नहीं है। नहीं नहीं, वो बल्कि तो 2-3 दिन कोशिश करते हैं कि नंबर ना उठाना पड़े, नंबर ना, जो मरना मर मुड़ जाए। हाँ, बस वो रिजल्ट निकल आए। तो जी फार्मर्स, आपका भी शुक्रिया, और आप हम पे इतमाद करते हैं। जफर साहब ने भी हमें यूट्यूब से ही देख के सर इतमाद किया था, उधर से यूट्यूब देख के इतमाद किया। यूट्यूब वालों का भी शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें फ्राहम किया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह हम बाकी फार्म्स भी आपको विज़िट करवाएंगे। अभी जफर साहब से इजाज़त लेते हैं, आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पर आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो खुद सीखा वो आप तक पहुंचाते रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।